नमस्ते नमस्ते सर। हम कहाँ तुम्हारे सर हैं? तुम हमारे सर हो अब। मैं डर लग रहा है तुमसे कहने में। जब तुम्हें बुरा लग जाए तो तुम यही कहा कह देना, मुझे जवाब दे देना, ठीक है? तो आप बता दो एक बार, हम भी समझ जाएं। तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा हाँ। हम तो इतने अच्छे भी नहीं जो आपको अच्छे लगते। कोई जरूरी नहीं है कि कौन किसको अच्छा लग जाए। हाँ ये भी बात सही है। तुम्हारा मुंह, तुम्हारे दांत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा अकेली हो? हाँ बात कर लिया करो हमसे। सुनो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं तो मुझसे ले जाओ, मोबाइल मेरे पास रखा। तुमको बताई थी, कही थी, तो कोई हमारी बात समझ नहीं पाया था। हाँ तुम समझे, हम समझे, मतलब है। और आप बार बार हमें टच कर रहे थे और सब लोग क्या सोचते होंगे कि लड़की जी गलत है। जो हमने टच कर रहे थे, कहाँ टच कर लिया तुमको ये बताओ। हमको कोई नहीं देख रहा था यार। तुम तो ऐसी बातें करती हो, बहुत महीन बातें कर देती हो कभी कभी। इतना तो चलता है यार। तुम कल हमारे हम ये कह के भेज दो तुमको कि कल तुम्हारा मामला अजीत मल का है। अजीत मल में रिपोर्ट लिखा गया। नमस्कार, मैं सुनिजय योगी। राज की यूपी पुलिस हर रोज एक नई चर्चा का पात्र बनती जा रही है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर यूपी पुलिस चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल कानपुर देहात के सट्टी थाने के आसिक मिजाज मुंशी का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें मुंशी राजकुमार का आसिक मिजाज दिखा है। 39 मिनट के ऑडियो ने प्रशासन पर प्रश्न खड़े कर दिए। आसिक मिजाज मुंशी का ऑडियो वायरल, न्याय दिलाने के नाम पर रोमांटिक फोन कॉल, रिपोर्ट दर्ज के नाम पर महिला से रोमांटिक फोन कॉल, महकमे में हो रही जमकर चर्चा। पहले करो बात फिर होगा काम। 39 मिनट के ऑडियो ने प्रशासन पर खड़े किए प्रश्न। एक तरफ कोरोना वायरस के खतरे में जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी को पुलिस कर्मी बखूबी अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में पुलिस के कार्य को जनता के द्वारा सराहा भी जा रहा है। कई स्थानों पर पुलिस कर्मियों को पुष्प मालाएं पहनाकर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं कुछ पुलिस कर्मी ऐसे भी हैं जो अपनी अश्लील हरकतों से पुलिस की शान में बट्टा लगा रहे हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक मामला कानपुर देहात से सामने आया है, जहां पर एक आसिक मिजाज थाने के मुंशी का ऑडियो वायरल हुआ है। ये ऑडियो कानपुर देहात के सट्टी थाने का है, जहां ये आसिक मिजाज मुंशी तैनात है। पहले आपको आसिक मिजाज मुंशी का ऑडियो सुनाएंगे। अकेली हो? हाँ। बात कर लिया करो हमसे। सुनो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं तो मुझसे ले जाओ, मोबाइल मेरे पास रखा, मतलब है। और आप बार बार हमें टच कर रहे थे और सब लोग क्या सोचते होंगे कि लड़की जी गलत है। सब लोग कहाँ टच कर रहे थे? काय बार बार आप हाथ पकड़ ऐसे जब नंबर दे कह रहे थे ये आपके लिए नंबर दे रहे, तब भी सब लोग हमें क्या सोचते होंगे। अच्छा ये बताओ, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, बुरा लगे तो बता देना मुझको। हाँ पूछो, उसमें बुराई की कोई बात नहीं। तुम्हारा हमारा नेचर खराब लगा था हमें किसी का? हमने वो अभी क्या बोला था, हमें तो किसी का नेचर नहीं खराब लगता, सभी अच्छे हैं लोग। नहीं नहीं अच्छे अच्छे वाले बात नहीं, जैसे हमने आपके साथ जो हमने बिहेव किया तुम्हें बुरा लगा क्या? देखो बुराई की बात नहीं, हमने तो आपको एक उदाहरण दिया, अगर बुरा लग बुराई की बात ही नहीं थी उसमें तो क्यों बुरा मान गई तुम? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम हो हमारे, हम तुम्हारे। हम क्यों तुम्हारे सर हैं? अरे तुम हमें समझाया, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने हम आपके सर नहीं है, आप तो थाने के में रहते हैं और आपको इतनी जानकारी, हम तो बहुत छोटी चीज है, आप हमसे सर क्यों बोले? ये तुम कैसे बार बार कह देती, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, तुम ये बात क्यों कर? मैं डर लग रहा है तुमसे कहने में। जब तुम्हें बुरा लग जाए तो तुम यही कहा कह देना, मुझे जवाब दे देना, ठीक है? तो आप बता दो एक बार, हम भी समझ जाए। तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा हम तो इतने अच्छे भी नहीं जो आपको अच्छे लगते। कोई जरूरी नहीं है कि कौन किसको अच्छा लग जाए।
हाँ ये भी बात सही है। तुम्हारा मुंह, तुम्हारे दांत मुझे बहुत अच्छे लगे। वायरल ऑडियो में लड़की मुंशी से शिकायत लिखने की मांग कर रही है। बताओ किस दिन आए? परसों। परसों आ जा। अच्छा लिख दे यार, फोन न फिट है लाने सब लोग। अरे यार कोशिश की जाती है, कोई जरूरी है कि कोशिश न सिद्ध हुई। इससे पहले भी आसिक मिजाज मुंशी पर लोगों पर युक्ति को जरिया बनाकर फर्जी मुकदमा करने का आरोप लग चुका है। आसिक मिजाज मुंशी पर अवैध वसूली का भी आरोप लगा था। वहीं ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा है। क्षेत्राधिकारी अनूप शुक्ला ने ऑडियो वायरल होने के बाद मुंशी को निलंबित कर दिया था। वहीं बार बार युवती की चरित्र पर सवाल, मतलब है? और आप बार बार हमें टच कर रहे थे और सब लोग क्या सोचते होंगे कि लड़की जी गलत है, सब लोग टच कर रहे थे काय, बार बार आप हाथ पकड़ ऐसे जब नंबर दे कह रहे थे ये आपके लिए नंबर दे रहे, तब भी सब लोग हमें क्या सोचते होंगे उठ रहा है। और वायरल ऑडियो की जिले में खूब चर्चाएं हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या खाकी की आड़ में भोली भाली युक्ति से शोषण का खेल खेला जा रहा है। थाना सचिव में तैनात एक हेड कांस्टेबल का एक ऑडियो अधिकारियों को प्राप्त हुआ है, जिसमें वो अमर्यादित भाषा में किसी महिला से बात कर रहे हैं। इस महिला की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है, फिर भी इस ऑडियो का संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध जाँच कराई गई है और प्रारंभिक जाँच में वो दोषी पाए गए, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जनपद कानपुर देहात के सट्टी थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल राजकुमार का इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर आइडियो वायरल हो रहा है। आइडियो में वो किसी महिला से आशिकी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आइडियो जब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, इसके बाद कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने आइडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से हेड कांस्टेबल राजकुमार को निलंबित कर दिया।